हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 59 जो कि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और प्यारे बच्चों, इस कार्य को आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। जानते हैं आज की ये जो वर्कशीट है ये एक लोक कथा पर आधारित है जो कि इटली और रोम की एक लोक कथा है। इसका नाम है एंड्रोक्लीज और शेर। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अगर पशुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वह भी इस बर्ताव को हमेशा ध्यान में रखते हैं और समय आने पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और हमारी मदद करते हैं। ये कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि हमें पशुओं के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस कहानी को बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ उसको पढ़िए ताकि जो आपका पठन कौशल है, आपके पढ़ने की जो एक क्वालिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके। क्योंकि जो शब्द आपको नहीं पढ़ने आएंगे वो आप मेरे बोलने से समझ जाएंगे और फिर उसका अर्थ भी जानने की कोशिश कीजिएगा। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। धनी लोग यानी अमीर लोग, वो अपने यहाँ दास यानी कि नौकर रखा करते थे पुराने समय में। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यानी वो जो नौकर थे या दास थे, वो जो उनका स्वामी होगा, जो उनका मालिक होगा ना, वो जो कहेगा उन्हें वही करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीज था। मैंने क्या बोला? एंड्रोक्लीज था। एंड्रोक्लीज का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। जो एंड्रोक्लीज का मालिक था ना, वो अपने दासों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था कि जैसे वो कोई पशु हो। उनसे बहुत बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। देखिए ये स्थिति थी कि उनसे बहुत काम लेते थे लेकिन फिर भी उन्हें खाना नहीं देते थे। एंड्रोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती, यानी बहुत ही पीड़ा, बहुत ही कष्ट सहना पड़ता दिन रात। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। अब देखो, जब वो भाग गया तो जंगल में पहाड़ियों के बीच वो एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीज डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। अब देखो, वो जैसे शेर आया वो डर गया। अब शेर से दूर भागना चाहता था लेकिन उसे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। वो अपना पैर, अगला पंजा जो है ना, बार बार उठा रहा था और एंड्रोक्लीज को कुछ संकेत इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीज का भय दूर हो गया। भय का मतलब डर, दूर हो गया उसका, क्योंकि कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ मुश्किल जरूर है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा घुसा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया और उसके अब घाव को आराम देने के लिए उसने जड़ी बूटी का रस उस पर डाल दिया। शेर को आराम मिला।
शेर को अब आराम मिला और उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। हानि का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया उसने कुछ भी, क्योंकि एंड्रोक्लीस ने तो उसकी मदद की थी। शेर और एंड्रोक्लीस गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीस को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। खोजने का मतलब उसको ढूंढने के लिए। एंड्रोक्लीस को तो भाई मालिक के यहाँ से भाग आया, तो अब उसका स्वामी के जो सिपाही थे वो उसको ढूंढ रहे थे, उसको घूम रहे थे ढूंढने के लिए। उन्होंने एंड्रोक्लीस को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने देखा और उसको गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। फिर वो उसको अपने स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने, कारावास का मतलब जेल में डालने, तथा एक मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। और स्वामी ने क्या आज्ञा दी कि इसको एक महीने पहले इसको जेल में डाला जाए और एक महीने के बाद भूखे शेर के पिंजरे में इसको डाल दो, क्योंकि इसने गलती की भाग की। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया, यानी जिस दिन वो डेट आई तो स्वामी ने फिर से दरबार लगाया। एंड्रोक्लीस को कारावास से निकाल कर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। अब एंड्रोक्लीस को जेल से निकाला गया और भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीस को देखते ही वह शांत पड़ गया। भूखा शेर एंड्रोक्लीस की तरफ लपका क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन एंड्रोक्लीस को देखते ही वो तो बिल्कुल शांत बैठ गया। क्यों बैठ गया? एंड्रोक्लीस के पास जाकर वह उसके सामने बैठ गया, जैसा कि आपने चित्र में अभी देखा कि एंड्रोक्लीस के सामने वो बैठ गया। उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गया, यानी जो वहां पर भीड़ बैठी थी ना लोगों की, वो सब हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। और देखिए वास्तव में क्या हुआ कि ये वही वाला शेर था जिसकी मदद किसने की थी? एंड्रोक्लीस ने की थी। शेर एंड्रोक्लीस को पहचान गया था, शेर अब एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। एंड्रोक्लीस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई और पूरी घटना फिर एंड्रोक्लीस ने अपने स्वामी यानी मालिक को बताई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए, यानी सब लोग सुन के हैरान रह गए। और उन सब लोगों ने क्या किया, उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीस को दासता के बंधन से मुक्त कर दें, कि एंड्रोक्लीस को दासता के बंधन से मुक्त कर दें, मतलब उसको अब आज़ाद कर दिया जाए। स्वामी ने लोगों की बात मान ली, उसने एंड्रोक्लीस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीस आज से तुम स्वतंत्र हो, यानी एंड्रोक्लीस आज से तुम आजाद हो। तो देखो हम किसी के साथ अच्छा करेंगे ना तो हमारे साथ भी अच्छा जरूर होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है और साथ साथ ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। वो तो बेजुबान होते हैं, हमारी तरह बोल के अपनी तकलीफ थोड़ी बता पाएंगे। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ कभी भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने क्रियाकलापों की ओर। तो पहला प्रश्न है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। जैसे दास, दास का मतलब नौकर या सेवक। आज्ञा मतलब आदेश या हुक्म। पशुवत व्यवहार, एक शब्द आया था इसका मतलब पशुओं जैसा व्यवहार। यातना यानी कि कष्ट देना। उपयुक्त मतलब ठीक। अवसर मतलब मौका। भय का मतलब डर या खौफ। इशारा का मतलब संकेत। जन समूह मतलब लोगों की भीड़। स्वामी का मतलब मालिक। चकित का मतलब हैरान। और स्वतंत्र का मतलब आज़ाद। इसमें आप एक और शब्द जोड़ सकते हैं, कारावास। कारावास का मतलब क्या है? जेल, जो अभी बार बार हमने आखिरी में शब्द समझा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है कि इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्यार भावना वाला होना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा मित्रता के साथ पेश आना चाहिए। पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें तंग करना चाहिए। नहीं, हमें उन्हें कभी तंग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें बिना मतलब के छेड़ना चाहिए। देखा, आपने कई बार देखा होगा कोई बेचारा कुत्ता बैठा होता है, बच्चे आते हैं उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, ऐसा नहीं करना। जिस प्रकार मनुष्य में दिल भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी तो दिल और भावनाएं होती हैं। उनका भी अपना परिवार होता है, उन्हें भी चोट लगती है, तो उन्हें मत सताइए। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित, सही है यानी गलत। इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। देखिए, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाना बिल्कुल ही अनुचित है यानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को आज़ाद रहना पसंद है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी किसी की दासता स्वीकार नहीं होती। वे भी पिंजरे में बंद होकर हमेशा पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करते रहते हैं। यदि हम किसी को दास बनाते हैं तो हम उस पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं और उससे अपने हर काम को करवाने की अपेक्षा भी रखते हैं, कि यानी वो हमारा हर काम करेगा, और यदि वे काम नहीं करता तो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जबकि ये बात बहुत ही गलत है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 1,00,000 तक पहुंचाने में मेरी ज़रूर मदद करें। और जो हमारा चैनल है ना, एक लवनीश सर की क्लास टेलीग्राम ऐप पर, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।